जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम मुझे सलाम। अभी तक तो कुछ नहीं पूछना सर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आसान ही हैं। जैसे विटामिन और प्रोटीन हम सब पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें से जब कोई मुश्किल बात आएगी तो फिर हम जरूर पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, बेरी बेरी किस बीमारी का नाम है? सर सर, ये शायद विटामिन्स की वजह से ही होती है, विटामिन डी की वजह से शायद। आप मुझे सियासी जवाब मत दें, शायद इसकी वजह से। एब्सोल्यूट नहीं, शायद आंसर ही दें, आप साइंस कंफर्म के स्टूडेंट हैं। सर, कंफर्म विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है ये। कौन सा विटामिन? सर विटामिन बी विटामिन बी बी? बी में से कौन सा? सर, ये नहीं पता। तो फिर अटक गई ना सुई। जी सर, इसकी कितनी इकसाम होती है बेरी बेरी की? सर नहीं पता। अगर आप लोग सवाल नहीं करोगे तो फिर मैं पूछूंगा, ठीक है ना? रिकेट्स, B1 की वजह से रिकेट्स क्या होती है? रिकेट्स ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है? पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने सब ये? सर, ऑस्ट्रोमलेशिया तो बोन्स की डिजीज है, क्यों होती है? विटामिन डी की वजह से। क्या बात है, और रिकेट्स क्या है? रिकेट सर, ये भी बोन्स की डिजीज होती है, जिसमें शायद बोन्स जो है वो वीक शायद हो जाती है बहुत ज्यादा। शायद नहीं, यकीनन। तुम जी सर, शायद की दुनिया में क्यों रहती हो? अगर गलत हुआ तो शायद में वो हो जाएगा ना। अच्छा, जब जब पेशेंट आएगा तो तुम उसको यही बोलोगे, शायद तुम्हें ये बीमारी है, शायद तुम्हें नहीं नहीं बीमारी है, सर, तुम ये दवा भी खा के देख लो, तुम ये दवा भी खा के देख लो, किसी एक से तो ठीक हो ही जाओगी। नहीं नहीं सर एब्सोल्यूट बात करो, साइंस की स्टूडेंट हो। जी सर। ये भी विटामिन सर डी की वजह से होता है। अच्छा, सही हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि एक बच्चों में होता है, एक बड़ों में होती है। सही बच्चों की जो कही। हड्डी की बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स विटामिन और डी वो की बड़ों वजह की से ऑस्ट्रेलेशिया। जी उसको सर मलेशिया कहते हैं। जी। हाँ भाई, सर मेरे क्वेश्चन है, सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो पेट बाहर आने लग जाता है, ये सही बात है? प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर सीवियर हो, जिसको हम क्वाशर कोर कहते हैं, जी उसमें पेट फूल जाता है। सही है, दरअसल इसको कहते हैं पॉट्स बेली। पॉट्स सही। बेली ये तस्वीर में भी आपको दिखेगा, किसी भी किताब में देखोगी या किसी भी नेट पे देखोगी, क्वाशरकोर के बच्चे को उसका पेट फूला हुआ होगा। बेसिकली फिर वही बात सही आती है कि प्रोटीन की कमी से जिसमें पानी जमा हो जाता है, तो उसके सही पानी जमा हो रहा था और प्रोटीन ढीले पड़ जाते हैं, मसल जो ढीला पड़ जाता है तो वो लटक जाता है। सही ठीक लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जिसका, या हर बच्चा, या कोई भी शख्स जिसका पेट बाहर आ रहा है उसको प्रोटीन की कमी है। उसको मोटापा भी हो सकता है भाई, ठीक है? उसको वजन की ओके ज्यादती हो सर। सकती है। हाँ, तो मोटापा अपनी जगह पर अलग एक बीमारी है। क्वाशरकोर में प्रोटीन ये की अलग कमी से है, पेट ढीला हो जाता ठीक है सर। है। और पूछो जी। ताहिर खान, तुमने आज की तारीख में मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। वाह वाह भाई, आखिरी लम्हात में मुसलमान हो रहे हो तुम सबके सब। इम्तिहान सर पर है, सबके पास सारे वीडियोस हैं मेरे? यस सर, यस सर। यस सर। आखिर में कोई एक बच्चा भी मेरे पास आया कि मेरे पास ये नहीं है, फला नहीं है, मैं उसको मुर्गा बना दूंगा, ठीक है? जी सर, आखिर में मुझसे कोई ये ना कहे सर लेक्चर नहीं है, फला नहीं है, तो ऐसी कोई नहीं सुनूंगा मैं। अच्छा जी, और कोई सवाल? सबों ने सवाल पूछे? सर मुझे फिर आपसे एक एक छोटी चीज सी, पूछनी थी। मरियम बीबी नहीं मरियम जुबैर बात तुम नहीं बोलो, तुम नहीं बोलो भाई, लड़कियों को भी जरा मौका दो भी, ठहर जाओ। सर, मैं बीबी मरियम। हाँ पूछो जी। सर वैक्सीन से रिलेटेड जो आपने लेक्चर दिया था उस टाइम मैं एब्सेंट थी, तो आप अगर इसको दोबारा से रिपीट कर दें। वाह भाई, पूरा लेक्चर रिपीट कर दूं?
वैक्सीन से रिलेटेड जो मतलब कि आपने बताया था, मुझे तो उसके बारे में नहीं पता लगा, मैंने बाद में खुद से जो किया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वैक्सीन बहुत तरह की होती हैं। मेन चीज तो ये है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन हर इस एक मैं का पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। यस सर, सबका ही भला हो जाएगा। देखो, वैक्सीन आर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, ये वो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिससे इम्यूनिटी ट्रिगर करते हैं, वो मुदाफ़त बढ़ाने का एक जरिया है। इसमें दो तीन टाइप्स हैं, जैसे लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, एंटी सीराज है। लाइव वैक्सीन ये होती है कि हम जरासीम लेते हैं और उसके डीएनए को हम तब्दील कर देते हैं, ठीक है। उसके डीएनए को तब्दील करने से फर्क ये पड़ता है कि उसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जैसे अभी ये कोविड की वैक्सीन चल रही है ना, ये सारी लाइव वैक्सीन है, ठीक। या हम उसके जिस्म का कोई हिस्सा ले लेते हैं और उसको मॉडिफाई करके वो इस्तेमाल कराते हैं। बेसिकली हम एंटीजन इंट्रोड्यूस कराते हैं जिस्म के अंदर, जिससे इम्यूनिटी एनहांस होना शुरू हो जाती है, स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। सेकेंड एक्सपोजर अगर उसी ऑर्गेनिज्म का जिस्म में दोबारा होगा, दोबारा हमला हो गया उसी जरासीम का, तो पहले से फौज तैयार होती है, WBCs, इम्यूनोग्लोबुलिंस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सारे तैयार बैठे हुए होते हैं कि अब ये आएगा और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है कि घर में अगर एक मरतबा चोरी हो जाए तो घर के अफराद जो हैं वो मुहतात हो जाते हैं, CCTV कैमरा लगाते हैं, दरवाजे अच्छे कर लेते हैं, लॉक अच्छे कर लेते हैं और जागते भी रहते हैं और चौकीदार भी हायर कर लेते हैं, ऐसा ही है ना, ताकि अगर दोबारा चोरी हो तो उसको पकड़ लिया जाए, धर लिया जाए, या चोरी हो ही नहीं। तो यही मैकेनिज्म, यही फलसफा जो है वो वैक्सीन का होता है कि हम पहले एंटीजन का एक्सपोजर दे देते हैं ताकि दोबारा जब एंटीजन आए, और ऐसा एंटीजन जिसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, तो वो कर कुछ नहीं पाए, या अगर अटैक भी करेगा तो उसका अटैक ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। ये फायदा होता है वैक्सीन का। इसकी इकसाम में लाइव वैक्सीन है जिसमें जरासीम जिंदा होता है लेकिन उसका डीएनए आरएनए हम चेंज कर देते हैं तो बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, एंटीजेनिसिटी बरकरार रहती है, पैथोजेनिसिटी लूज हो जाती है। किल्ड वैक्सीन होती है कि हम जरासीम को मार देते हैं, फिर उसके टूटे हुए जिस्म के कुछ हिस्से जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एज एंटीजन, ठीक है। फिर है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या है कि कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो जहर प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, हम उनके जहर को निकालते हैं और उसको ट्रीट करके फिर इस्तेमाल कराते हैं, उसको कहते हैं टॉक्सॉइड, ठीक है, जिसकी मिसाल टेटनस टॉक्सॉइड है। फिर एक है एंटीसीरा। एंटीसीरा में क्या होता है कि हम जरासीम को किसी वॉलंटियर जिस्म में दाखिल करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, उन एंटीबॉडीज को हम ब्लड से निकाल लेते हैं। जी बोले बोले क्या कह रही हैं, यहां तक फॉलो कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। अच्छा, एंटीसीरा yes, मैं बता रहा था कि हम जरासीम को किसी जिस्म में दाखिल करते हैं, वो जिस्म इंसानों का भी हो सकता है, वो हैवानों का भी हो सकता है, ठीक है। फिर उस जिस्म में रिएक्शन आता है, इम्यूनोग्लोबुलिंस प्रोड्यूस होते हैं, उस जिस्म से ब्लड हम निकालते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिंस निकालते हैं और उनको ट्रीट करते हैं, और फिर हम उन ससेप्टेबल वंस में डाल देते हैं जिनको हमें हम समझते हैं कि इनको खतरात लाहक है, तो वो होता है एंटीसीरा, ठीक है। एंटीसीरा बड़ा तेजी से असर करता है और एंटीसीरा जो है वो क्यूरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है रादर देन प्रिवेंटिव। जैसे आपने अभी सुना होगा या कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल लेके जाते हैं, पट्टी वट्टी कराते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन भी लगाते हैं ATS का। सुना हुआ ये लफ्ज ATS का नाम सुना है? जी सर। एंटी टेटनस सीरम, ये इस वजह से लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर टेटनस का जरासीम जख्म के अंदर दाखिल हो गया, जो कि अमूमन मौजूद होता है, रोडों पर मौजूद होता है, ये धूल मट्टी और गंदगी में ये जरासीम मौजूद होता है, तो अगर उधर चोट लग गई है, उस गंदी मट्टी की कॉन्टेमिनेशन हो जाए जख्म के अंदर, तो ये जरासीम पनपता है, लिहाजा हम ATS लगा देते हैं ताकि अगर जरासीम जिसमें मौजूद भी है और अपना जहर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए।
और अगर अटैक शुरू हो जाए, टेटनस शुरू हो जाए, झटके लगना शुरू हो जाए, तो भी हम एटीएस लगाते हैं, टॉक्सॉइड नहीं लगाते हैं। टेटनस का टॉक्सॉइड भी अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त हम लगाते हैं एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, क्योंकि हमें क्योर चाहिए, हमें इलाज चाहिए। और टॉक्सॉइड जो है वो प्रिवेंटिव होता है, वो एहतियाती तदाबीर में आता है। ठीक है भाई। सर जो अभी जैसे कोविड की वैक्सीन है तो उसमें जैसे कि चाइना की है कैंसिनो या साइनोफार्म साइनोवैक, इसमें ज्यादातर ये आ रहा है कि इनएक्टिवेटेड है, और जो मॉडर्ना वगैरह है उसमें आ रहा है कि ये इसमें एमआरएनए है, तो ये जो एमआरएनए है ये लाइव वैक्सीन कहलाएगी, और जो ये जो इसमें इनएक्टिवेटेड है वो किल्ड वैक्सीन कहलाएगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही। तो हमें मतलब नॉर्मली वैसे प्रेफर क्या करना चाहिए, लाइव वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन? ये सवाल अभी आंसर हुआ ही नहीं है। साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं कि हमें करना क्या है, हमें कौन सी वैक्सीन लगानी है। इस वक्त रेस चल रही है और सारा ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। आपको पता है ये दवा जो है, ये दवा क्या, वैक्सीन जो है, ये क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस से गुजर रही है, अभी ये एस्टेब्लिश फुल हुई नहीं है। लेकिन एक बात है, सलाम करना चाहिए साइंटिस्ट को कि कितनी तेजी से इन्होंने एक ऑप्शन तो दे दिए। अभी फाइनल एग्जैक्टली बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बहस में जाने से बेहतर यह है कि करवा लें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो खतरे में आते हैं, बड़े भयानक खतरे में आते हैं, और जान से हाथ धोते हैं। वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो लाइव हो चाहे किल्ड हो। और सर ये मेरा एक क्वेश्चन है जी, सर ये जो वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई भी उनका ब्लड नहीं लिया जा रहा, इसकी कोई वजह? ब्लड लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा। अगर किसी को ब्लड डोनेट करना हो ना हमें, तो जिसको वैक्सीन लगी हुई उसका ब्लड नहीं ले रहे? नहीं लेते बेटा, नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि देखें ना, फर्ज करें आपको वैक्सीन लग गई, अब आपके जिस्म में स्टिमुलेशन शुरू हो गई है, WBC ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब आप जो है ना स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं अगेंस्ट कोविड, तो ये आपकी जात के लिए तो सही है। लेकिन अगर फर्ज करें आपका ब्लड उठाकर किसी डोनर को, एक मिनट होल्ड कीजिए, आपका ब्लड अगर किसी रेसिपिएंट को दिया गया तो उसके जिस्म में जाकर ना ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है हो सकता है वो लड़ जाए, क्रॉस रिएक्शन कर जाए, इस वजह से वैक्सीनेटेड बंदे का ब्लड नहीं ले रहा है, एहतियाती तौर पर नहीं ले रहे, और अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं इस वक्त इसके इम्यूनोग्लोबुलिन जब दूसरे जिस्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस वजह से नहीं ले रहे। और वो भी ऐसा होता है रीसेंट वैक्सीनेटेड पर्सन का नहीं लेते हैं, फर्ज करें साल भर हो गया वैक्सीन लगाए हुए तो फिर ले लेंगे, ठीक है, लेकिन फर्ज करो महीना दो महीना हुआ है, हफ्ता दो हफ्ता हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ताजा ताजा मामला होता है, WBC बड़ी तेजी से अपना काम कर रहे होते हैं, इस वजह से नहीं लेते। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लाज्मा हम क्यों लगाते हैं? अगर किसी को कोरोना हो जाए तो क्योर के बेसिस पे के प्लाज्मा लगा दो वो ठीक हो जाए? प्लाज्मा खाली इसमें नहीं, कई बीमारियों में लगता है, जहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सर उठाया हुआ होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ फिर ये एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती है, फिर हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड WBCs चाहिए होते हैं, तो वो हम लगा देते हैं सेम ब्लड ग्रुप के, उससे बचत हो जाती है। डेंगू में लगता है, कैंसर में लगता है, लाइफ सेविंग है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन लाइफ सेविंग भी है, जरूरी हो जाता है। जिस्म में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो फाइट बैक करे, तो फिर हमें एक्सटर्नल आर्मी देनी पड़ती है, दिस इज प्लाज्मा। ठीक है सर, और वो चाहिए सर, और अच्छा पूछो मैं बाद में पूछूंगा। हाँ पूछो। आपने क्लास में एक दफा ये एक वर्ड बताया था कि जो हम फॉरेन एजेंट वर्ड यूज करते हैं, तो आपने कहा था कि हमने आपको ये कहा था कि जो एक्सटर्नल पार्टिकल या कोई एक्सटर्नल एजेंट बॉडी में जाता है तो हम उसको फॉरेन एजेंट कहते हैं, तब आपने हमारी वहाँ पे एक करेक्शन की थी और आपने कहा था कि पानी जो है वो फॉरेन ही है, लेकिन उसके लिए आपने एक फिर वर्ड बताया था उस एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है सर, आपने
आपने कहा था कि फिर इनको हम कोई एक वर्ड बताया था आपने कि इनको हम वो कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं सर फॉरेन एजेंट के लिए आपने कहा था पानी जो है पानी हमारे सेल्स की जरूरत है नंबर वन ठीक है जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी जरूरत है प्रोटीन जरूरत है फैट जरूरत है लेकिन ये देखने में आता है कि कार्बोहाइड्रेट भी बाज मरतबा ना एंटीजन के तौर पे एक्ट कर जाता है रिएक्शन आ जाता है सब्जियां खाते हैं हम लोग बाज सब्जियां हमें हजम नहीं होती उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं रिएक्शन आ जाता है प्रोटीन खाते हैं गोश्त खा लिया अंडा खा लिया मछली खा ली नट्स खा लिए बादाम काजू पिस्ता इनमें सब में प्रोटीन है लड़ जाती है ये प्रोटीन रिएक्शन आ जाता है ठीक है पानी के साथ रिएक्शन नहीं आता उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है अल्लाह पाक ने इसको न्यूट्रल रखा है ठीक है फिर ये मीडियम के तौर पे एक्ट करता है चीजों की इनपुट और आउटफ्लो इसका जिम्मेदार है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स पानी में तैरती भी जाएंगी और वेस्ट मटेरियल भी पानी में से ही तैरता हुआ बाहर आएगा तो ये होता है तो ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह पाक ने पानी को एज एंटीजन नहीं बनाया इसके अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई ऐसा पार्टिकल शामिल नहीं किया जिससे बॉडी में रिएक्शन आए हाँ अलबत्ता अगर पानी ही गंदा है पानी के अंदर जरासीम मौजूद है पानी के अंदर मट्टी मौजूद है पानी के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद है तो इतना खतरनाक रिएक्शन आएगा कि जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे ठीक है साफ सुथरे पानी में ये प्रॉपर्टी नहीं होती क्लियर जी और पूछा जी सर मुझे क्वारंटीन का जैसे कॉन्सेप्ट पूछना था जैसे 40 डेज के लिए रखा जाता है तो ये 40 डेज ही क्यों फिक्स किए गए हैं क्वारंटीन के लिए अच्छा हर जरासीम का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है ठीक है इंक्यूबेशन पीरियड ही होता है द टाइम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंट्री ऑफ द माइक्रोब इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ इट्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के बाद से पहली अलामत नमूदार होने तक किसी भी बीमारी की जो दौरानिया होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड दौरानिया हिजानत भी कहते हैं उसको अब हर जरासीम का अलग अलग है किसी का 10 दिन है किसी का 12 दिन है तो सेफ साइड पर हम निकल जाते हैं हम 40 दिन तक इसमें क्वारंटीन करने का कहते हैं वैसे 40 दिन तो नहीं हो गया अब 2 हफ्ते रह गया है अब 2 हफ्ते इसको कम से कम जो है ना क्वारंटीन करना होगा जी और क्वारंटीन का मतलब यह है कि किसी एक खास एनवायरनमेंट में वो अलग हो जाए दरअसल अच्छा लफ्ज है आइसोलेशन ठीक है क्वारंटीन पहले यूज होता था ये लफ्ज लेकिन अब क्वारंटीन नहीं होता अब आइसोलेशन कहते हैं और आइसोलेशन सेंटर कहते हैं आइसोलेशन सेंटर्स भी बनते हैं और आइसोलेशन रूम भी बन सकते हैं आप अपने घर में ही एक कमरा मुख्तस कर लें उस कमरे में रहें 12-14 दिन वही खाना पीना करें ठीक है तो उसको भी आइसोलेशन कहते हैं इससे ये होता है कि मर्ज फैलता नहीं है जरासीम आगे मुंतकिल नहीं होते दूसरे लोगों में जी क्लियर सर मतलब ये जो मतलब आइसोलेशन होती है ये सिर्फ जो है कम्युनिटरी डिजीजेस जो होते हैं कम्युनिटी के जो डिजीजेस होते हैं बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज में ही होता है बट डायबिटिक पेशेंट को तो नहीं करोगे ना क्वारंटीन या आइसोलेशन हाइपरटेंशन वाले को तो नहीं करोगे थायराइड वाले को तो नहीं करोगे तो जरासीमी बीमारी की बात होती है ना ये तो है जरासीमी बीमारियों के लिए जैसे कि यानी जैसे कि नॉर्मल वायरल बैक्टीरियल होता है उसमें तो हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते ना वो तो हम दवाई देते फौरन ठीक हो जाता है उसके लिए कोई आइसोलेशन नहीं करवाते हम बस लिहाज से मैं आपको बात बताऊं ये तो कोविड तो चलो अभी आ गया सर उठा लिया इसने सामने चीज आ ये जो नॉर्मल फ्लू होता है ना फ्लू नजला जुकाम ये बड़ी तेजी से फैलता है आप देखें जब कोविड नहीं था मैं उस जरा सा आपको 4 साल पहले ले जाता हूँ ठीक है नजला जुकाम होता था किसी एक को घर में होता है तो 1-2 दिन के बाद किसी और को भी हो जाता है होता है नहीं होता है अच्छा लेकिन इसको हम नजरअंदाज करते हैं ये खुद भी ठीक हो जाता है तो इसको कहा जाता है भाई तो वायरल फीवर था वायरल था खुद ही ठीक हो गया सेल्फ लिमिटिंग बहुत अच्छी बात है दरअसल ये इतना ज्यादा हुआ कि इसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है
तो लोगों में कुव्वत मुदाफ़त है नॉर्मल फ्लू के जरासीम के लिए, लेकिन कोविड के जरासीम के लिए नहीं थी, तभी तो हलाकतें हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन से फायदा हो रहा है, और दूसरा एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, और खुसूसन पाकिस्तानियों को तो आप देख लेंगे तो किसी के काबू में ही नहीं है। जब कोविड दुनिया में फैला हुआ था पहली लेयर में भी, यहाँ पर जो है वो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग हो रही हैं, अभी भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन ये भी देखने में आता है कि कुछ कौमों में हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कुछ कौमों में कम होती है, ये मसले मसाइल तो होते हैं। कॉस्मोपोलिटन सिटी में हर्ड इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, और कॉस्मोपोलिटन सिटी के सैनिटरी के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, हाइजीन सही नहीं होता, और हमारे शहर में ये है मसला कि हाइजीन यहाँ सही नहीं, इस वजह से भी बीमारियां तेजी से फैली हैं। कराची में ग्राफ एकदम शूट किया था बनिस्बत और शहरों के। जी और कोई सवाल सर? जैसे कि जो एलर्जीज वगैरह होती हैं इस रिलेटेड आजकल, यानी मैंने देखा है कि पाकिस्तान में फ्लू कोई भी थोड़ी सी एलर्जी जो होती है ना, उसकी थोड़ा सा भी मतलब डस्ट हुई कुछ हुआ फॉरेन एलर्जी, मौसम कोई भी हो, यानी समर्स में भी विंटर्स में भी यही चलता रहता है, तो इनका मतलब क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन अगर मिल गया तो यार हम डॉक्टर और हकीमों की दुकानें कैसे चलेंगी भाई, है अल्लाह पाक का निजाम है, इसे चलते रहना है और ये चलेगा। एलर्जी बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, आप जरा फिजियोलॉजी की किताब खोल के देखिएगा, उसकी एलर्जी की डेफिनेशन लिखा है, इट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। ये बताता है कि समथिंग इज एंटरिंग इनटू योर नोज, माउथ, आईज, ईयर, जीआईट, आपके जिस्म में कोई चीज दाखिल हुई है, ये उसका अलार्म है। ये कितनी अच्छी बात है, अगर ये अलार्म ना बजे और वो जरासीम खामोशी से जाकर अंदर बैठ जाए और मल्टीप्लाई करे और एकदम आपको बीमार करे, तो फिर तो ज्यादा परेशानी का बाइस है ना। तो अल्लाह पाक ने नजला, जुकाम, खांसी, छींक और आंखों से पानी, ये नॉर्मल रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्सेस की शक्ल में हमें दिए। में आंख के अंदर कोई एंटीजन जाता है, हमें आंसू आते हैं, नाक के अंदर जाता है हमें छींके आती हैं, हलक में जाता है हमें खांसी शुरू हो जाती है, पेट में जाता है हमें मोशन और उल्टी आ जाती है। ये अच्छी बात है, निकल जाता है। सर लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा ही होता है ना, यानी सुबह सुबह शाम उनका पूरी मतलब लाइफ ही ऐसी गुजरती है। हाँ, वो हाइपर सेंसिटिव है, ये भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हाइपर सेंसिटिविटी चार किस्मों की होती है, 1, 2, 3, 4, तो उसमें से कोई एक फिट होती है इन पर जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो उसका इलाज ये है कि पहले तशखीस करवाएं कि किस एलर्जन से उनको नजला, जुकाम, छींकें आना शुरू हो जाती है। बाज लोगों को ठंडे पानी से आ जाती हैं, बाज लोगों को ठंडी हवा से आ जाती हैं, सुबह उठते हैं खिड़की खोली और ठक करके छींकें आना शुरू हो गई, बाज लोग एसी चलाकर सोते हैं सुबह को सर भारी होता है, छींकें 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 आती हैं, ठीक है एक दो घंटे तक उनको जब तक छींकें नहीं आती आराम नहीं मिलता है। तो ये देखना पड़ता है कि उनको एलर्जी है किससे। अच्छा, फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दवाइयां और गजा इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, विटामिन सी वाली गजाएं बहुत अच्छी हैं, विटामिन सी वाली दवाइयां अच्छी हैं, ठीक है। पुराने नज़ले या जिस किस्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, इनके लिए मुरब्बा आमला बहुत अच्छा है, मुरब्बा हड़ बहुत अच्छा है, ये एलर्जी फिनोमिना को रोकता है, ठीक है। और टेस्ट करवाएं, एलर्जिन टेस्ट करवाएं, पोलन एलर्जी तो नहीं है, किसी खास सीजन में होती है, किसी खास गजा से होती है, ये पहचानना पड़ेगा, एलर्जन टेस्ट होते हैं। जी और कोई सवाल करे? हाँ भाई, वो अंडे वाला सवाल किसका था भाई? काजिम का। हाँ काजिम, अंडे का सवाल पूछो, क्या पूछ रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से? सर आपने कहा था कि शायद कोई रिसर्च आया होगा, हमें क्या पता, लेकिन आपने कहा कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मैंने ये कहा कि कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को भी अंडा अलाउ हो गया है, खा सकता है वो। हाँ तो क्यों अलाउ हो गए, इसमें ऐसा क्या है? मैंने थोड़ी कोलेस्ट्रॉल का टाइप पता किया ना,
हालांकि नहीं तो बंदे रिसर्च कोलेस्ट्रॉल सही का है टाइप अलग होगा कोई और। भाई, बात ये है इसके अंदर ओमेगा सिक्स फैटी एसिड भी तो है, उसको उसको नहीं पूछ रहे। ओमेगा सिक्स फैटी एसिड तो शरीयानों को फायदा पहुंचाता है। साइंस कुरान नहीं है ये याद रखना, और अपने जहन में एक बात बिठा लेना, रिजिड कभी भी नहीं होना। जो आदमी सख्त नुक्ते नजर का हामिल होता है वो तरक्की नहीं पाता, उसके लिए इल्म फिर अपनी बाहें नहीं फैलाता। आप पहले एक बात को समझिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि अब नई रिसर्च के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज वाले पेशेंट्स को भी अंडा अलाव है, तो ये तहकीक हुई है, ये किसी ने अपनी मर्जी से बात नहीं कह दी है या शिराज मोहम्मद सिद्दीकी ने बात नहीं कह दी है, ये तहकीक हुई है। लेकिन अभी तक हुक्मा हजरात भी यही समझते हैं, और अक्सर नॉर्मल आदमी लेमैन भी यही समझता है कि अंडा खाने से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टडीज हुई है ना, स्टडीज ने साबित कर दिया, प्रूफ मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। पहले डराते थे अंडे से, अब अलाउ कर दिया है, तहकीक आ गई है सामने। मैं और आप क्या होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज हो रही हैं, आप उसको रेफरेंस देख लो, ब्रेमिंगम स्टडी जो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की, उसको जाके पढ़ लो, उसमें कहीं आपको रिलेशन नहीं मिलेगा अंडे का। हाँ, जो एनिमल फैट है उसका रिलेशन जरूर मिलेगा, जो चिकनी बोटी खाते हैं ना हम लोग, चिकनी बोटी या चिकनाई, वो खतरनाक है, एनिमल फैट ज्यादा खतरनाक है। क्लियर हुआ? यस सर, बेहतर। और पूछिए जी। हाँ भाई शाइस्ता, शाइस्ता मौजूद है? जी सर, हाँ भाई, कोई सवाल? वाह नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। वाह वाह, कोई सवाल नहीं है। सवाल तो आप लोगों ने किए हैं और अच्छे सवाल किए, लेकिन बेटा ये इतना प्रेशर देकर सवाल करवाने का कोई फायदा नहीं है। पूछा करो और लिख लिया करो, जो टॉपिक तुम पढ़ो ना उस वक्त एक रफ बुक या अपनी जो भी तुम्हारे पेजेस वेजेस जहां पर तुम्हारे प्रिंट आउट्स हैं उसमें सवाल लिखा करो, इसका मतलब क्या है, ये हमने सुना है, क्या ये बात हकीकत है, वो सवाल नोट करके फिर मुझसे वॉइस मैसेज में सवाल किया करो। ग्रुप में सवाल कर लोगे, फायदा होगा, सबको फायदा हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है वो सवाल किसी और के भी जहन में हो, तो ग्रुप में सवाल किया करो। आज ये इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ही यही था कि मैं आप लोगों को जगाऊं और आप लोगों को इस बात पर फोकस करूं कि रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और फिर उसमें से जो भी सवाल आते हैं क्वेरीज वो कीजिए। टाइम आपका बड़ा महदूद रह गया है, 8-10 दिन है, ये लॉकडाउन खत्म होगा फिर इम्तिहान का सीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो बी रेडी फॉर इट। चलें, अब अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाजत चाहूंगा। जी कोई सवाल नहीं है बेटा? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, चलें ठीक है सर, नो सर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और तवज्जो रखिए पढ़ाई पर, ठीक है बेटा? नजरअंदाज मत करें पढ़ाई को आप लोग, ओके सर, दुआ में याद रखिए। चले, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज। सर वैसे एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने क्या? अभी तक तो ऑनलाइन ही होंगे, आगे देखें क्या होता है। चले ठीक है सर, ओके, हाफिज। चंगा सर, अल्लाह हाफिज। साकब लाली, एम अहमद,